हेलो दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिश फीडिंग के बारे में। ठंड के मौसम में किस तरह का फिश फीड देना सबसे बेस्ट रहेगा, फ्लोटिंग फीड या सिंकिंग फीड? हम लोग जानते हैं फ्लोटिंग फीड जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है और मछलियाँ ऊपर की तरफ आकर खाना खाती है, और जो सिंकिंग फीड होता है वो कभी तैरता नहीं है, उसको देने के साथ साथ वो पॉन्ड की तली में चली जाती है और मछलियाँ वहीं पर जाके फीडिंग करती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोनों फीड में कौन सा फीड ठंड के मौसम के लिए सही रहेगा, कौन सा फीड आपको आपका मछली को खिलाना चाहिए। दोस्तों, हम लोग जानते हैं फ्लोटिंग फीड जो होता है वो तैरती रहती है और काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ इसको खाना पसंद भी करती है, तो इसके लिए फ्लोटिंग फीड काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देता है। हम लोग देखते हैं तो अगर फ्लोटिंग फीड इस्तेमाल किया जाए तो उसमें काफ़ी सारा फ़ायदा हमें देखने को मिलता है, जैसे कि वेस्टेज कम होना। जब हम सिंकिंग फीड का इस्तेमाल करते हैं, जो डूबने वाली फीड होता है, उसको देने के बाद हमें पता नहीं चलता है ये मछलियाँ खा रही है या नहीं खा रही है, तो उसको पता करने के लिए हम हमेशा पानी को ही देखते हैं, यानी जो पानी का कलर है उसको देखते हैं। कई बार क्या होता है, पानी का कलर जो है वो सफ़ेद हो जाता है, तो उससे हमें पता चलता है फीड कम हो रहा है, तो हम फीडिंग बढ़ाते हैं। कई बार हम देखते हैं पानी का कलर जो है वो काफ़ी ग्रीन हो चुका है, तो इससे हमें चलता है फीड ज़्यादा हो रहा है, उस हिसाब से हम फीडिंग कमा देते हैं। और फ्लोटिंग फीड के बारे में बात करूँ तो ये फ्लोटिंग फीड हम जब देते हैं तो मछलियाँ, जितना सारा तालाब का मछलियाँ सब ऊपर की तरफ आ जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है मछलियाँ ठीक से खा रही है या नहीं खा रही है, हमें फीड बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम जब फीडिंग देते हैं तो 1 से 2 घंटा में ये अगर फीड ख़त्म हो जाता है तो हमें मानना है कि ये फीड देना सही है और इसी मात्रा में फीड देना चाहिए। और कई बार क्या होता है, हम लोग जब फ्लोटिंग फीड देते हैं तो देखते हैं ये फीड 3 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा तक पानी के ऊपर तैर रही है और मछलियाँ इसको खा नहीं रही है, इससे हमें पता चल जाता है फीड ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं फीडिंग कमाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो फीडिंग का जो खर्चा है वो फ्लोटिंग फीड से काफ़ी हद तक हम बचा लेते हैं। इसके बावजूद भी और एक चीज़ जान लेते हैं, मछलियाँ खा रही है या नहीं खा रही है। मछली पालन में और एक फ़ायदा है फ्लोटिंग फीड का। जैसे कि हम जानते हैं मछली पालन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें झेलना पड़ता है वो है एमोनिया। सुबह को मछलियाँ जाग जाना, मछलियाँ मर जाना, गैसेस हो जाना, ऑक्सीजन का कमी हो जाना, इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होता है ठंड के मौसम में, और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है फीडिंग के वजह से। अगर हम ज़्यादा मात्रा में फीडिंग दे देते हैं तो वो फीड जो है मछलियाँ खा नहीं पाती है, और वो फीड पानी में जाके वो गलती है, फिर सड़ती है, उसी में से एमोनिया बनता है जो ऑक्सीजन का कमी कर देता है, फिर सुबह को मछलियाँ जग जाती है और मरने लगती है। तो फ्लोटिंग फीड खिलाएं तो हमें पता चलता है कितना फीड देना है, तो इससे क्या होता है ज़्यादा फीड देना नहीं पड़ता है और एमोनिया का प्रॉब्लम से भी काफ़ी हद तक हम लोग मछली को बचा लेते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो फ्लोटिंग फीड का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। अभी आपको लग रहा होगा तो ठंड में हमें फ्लोटिंग फीड ही खिलाना चाहिए, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा मेरा बात सुन के, लेकिन यहाँ पर सच कुछ और ही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ठंड में टेम्परेचर जो है 10-12 या इससे नीचे भी आ जाता है, तो मछलियाँ जो है इस तरह से ऊपर की तरफ आती नहीं है फीड खाने के लिए। आप जो भी अच्छा फीडिंग खिलाए तो भी आप देखेंगे कि तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ आ नहीं रही है, फीड नहीं खा रही है, तो फ्लोटिंग फीड देने का क्या फ़ायदा होगा? तो यहाँ पे ये फ्लोटिंग फीड जो है वो फेल हो जाता है। तो इस जगह में सबसे बेस्ट जो काम करता है वो है सिंकिंग फीड, जो डूबने वाली फीड होती है, उसको अगर हम देते हैं तो मछलियाँ खाएगी। अभी सवाल आता है ठंड में तो मछलियाँ खाना खाती नहीं है, उतना ज़्यादा खाती नहीं है, हिलेगी डुलेगी नहीं, तो वो क्यों सिंकिंग फीड खाएगी? तो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात यह है कि हम लोग जानते हैं ठंड के मौसम में जो ठंडा पानी है उसमें मछलियाँ आना नहीं चाहती है, लेकिन जहाँ पे गहरा पानी थोड़ा गहरा है, यानी जो सेंटर होता है तालाब का, जो बीच भी सेंटर है, उस जगह में पानी गर्म रहता है, तो उस जगह में सारा मछलियाँ जो है इकट्ठा रहती है। उस दौरान अगर हम कुछ सिंकिंग फीड को उस मछली के नज़दीक भेज देते हैं या वहाँ पे जाके फीडिंग कराते हैं या भेज देते हैं, जो भी तरकीब से उसके पास नज़दीक पहुँचा देते हैं जहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी है, तो मछलियाँ वहाँ पे थोड़ा बहुत फीडिंग करती है, तो इसमें भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि पहले हमें पता चल रहा था कितना मछलियाँ खाती है नहीं खाती है फ्लोटिंग फीड के वजह से, अभी सिंकिंग फीड देने से ये चीज़ पता नहीं चलेगा कि मछलियाँ कितना खाती है नहीं खाती है, तो इसको जानने के लिए हमें पानी को ही देखना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको लगता है पानी ज़्यादा मोटा हो रहा है
रहा है, पानी का कलर जो है वो थोड़ा हार्ड हो रहा है, ज़्यादा ग्रीन हो रहा है, तो आपको समझना होगा मछलियाँ कम खाती है। उस दौरान आपको वो फीड को कमा देना होगा तो पानी जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। अगर कम हो जाता है तो फीडिंग थोड़ा बढ़ा देना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो दोनों फीड का अलग अलग फ़ायदा होता है ठंड के मौसम में। अभी सवाल आता है कौन सा फीड तो हमें खिलाना चाहिए, तो गाइस मैं आपको बता दूं असल में दोनों तरह का फीड ही आपको लगेगा ठंड के मौसम में। ऐसे भी मछलियाँ कम खाएगी तो आपको टेंशन लेने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीड देना होगा ऐसा कुछ नहीं है। मछलियाँ खाएगी कम, जब धूप आती है तब आप पाएंगे कि मछलियाँ ऊपर की तरफ आ रही है, थोड़ा ऊपर की लेयर में पानी गर्म होता है तो ऊपर की तरफ आके फीडिंग करती है। उस दौरान आपको मछली को फ्लोटिंग फीड देना चाहिए तो मछलियाँ आराम से ऊपर की तरफ तैरेगी भी और खाना भी खाएगी। जब देखेंगे ठंडा ज़्यादा है तो मछलियाँ नहीं खा रही है तो आपको क्या, या मछलियाँ ऊपर की तरफ नहीं आ रही है, उस दौरान आपको सिंकिंग फीड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि मछलियाँ वो जहाँ पे रहती है वहीं पे बैठ के वो खाना को खा पाए। तो इस दौरान अगर हिसाब किया जाए तो दोनों तरह का फीड देना ही अच्छा है। समय के हिसाब से आपको लगे अभी फ्लोटिंग फीड देना चाहिए तब आपको फ्लोटिंग फीड देना है, जब आपको लगे जो ठंडा ज़्यादा है तो सिंकिंग फीड देना है। इस तरह से देखा जाए तो दोनों तरह का फीड का ज़रूरत ठंडा में है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और एक ही तरह का फीडिंग कराते रहते हैं, जिससे उनका मछली में थोड़ा सा कमजोरी भी आ जाती है और तालाब को मेंटेन करने में भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो इस चीज़ को आप हमेशा मेंटेन करें, दोनों फीड को ही मिला कर खिलाएं। जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़े तो आप फ्लोटिंग फीड दें, टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाए तो आप सिंगिंग फीड दें। इस तरह से अगर मेंटेन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस मैंने इस वीडियो में कोशिश किया सारा चीज़ क्लियर करने के लिए किस तरह का फीड आपको ठंड के मौसम में देना चाहिए। तो मेरा ये जानकारी जो है वो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।